अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं इस रमजान में, इस साल के पहले रमजान, बाहर जा रहे हैं हम लोग आउटडोर इफ्तारी करने। आज इमान की तरफ से दावत है। मोबाइल जो है ना, खुद से लो, मेरे पास बहुत सामान हो जाता है तो सारे सामान इधर उधर गिर जाते हैं, तो इसलिए मोबाइल जो है ना मैं अपने इसमें ले रही हूँ। ठीक है, तो चलो लेट्स गो, जल्दी चलते हैं। अभी एक दो घंटा है तो बीच में कुछ काम है वो भी कर लेंगे और फिर इफ्तारी भी करके घर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी ड्रेस पिंक है, मैंने आर्यन को भी पिंक पहनाया है, इसलिए आज इमान उनकी बारी भी है पिंक कलर की ड्रेस की। धुआं निकलना शुरू हो गया है अभी जो है ना, इमोन की शर्ट जो है जल्दी से मैं इस्त्री कर लेती हूँ। ठीक है, फिर जो है ना, पानी क्यों निकल रहा है? जैसे तो पानी नहीं निकलता, तो जल्दी जल्दी से इमोन की शर्ट इस्त्री। पानी निकल रहा है यार, उसकी शर्ट में निशान पड़ जाएंगे। चलो ड्राई हो जाएगा, कोई बात, ये क्या है, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा? तो जल्दी जल्दी से उसके कपड़े इस्त्री करके फिर आप लोगों को इमोन और आर्यन से मिलाते हैं। ओके आर्यन, कम मामा तुम्हें सैंडल पहने, कम 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 कहाँ घूमने जा रहा है आर्यन? कहाँ घूमने जा रहा है? पार्क है? मैगी तो मिलने जा रहा है। हो कहाँ जा रहा है आर्यन घूमने? चिकन से मिलने जा रहा है। कहाँ घूमने जा रहा है आर्यन? कहाँ घूमने जा रहे हो? मम्मा अच्छे लग रहे हैं? मम्मा, मम्मा को प्यार करो, मम्मा को फ्लाइंग किस दो। शाबाश, मम्मा को बोलो आई लव यू। अल्लाह, आई लव यू टू। मुझे बच्चों, चलो अच्छे कपड़े पहने आ जा रही है। इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने, मम्मा पापा से मैचिंग। हाँ, मैंने पापा के लिए भी पिंक शर्ट निकाली है, पता है? देखे, चलो हम कपल फोटो लेंगे, फैमिली फोटो। मैगी के पास बाद में जाएंगे, अभी बाहर जा रहे हैं ना। मैगी को मम्मा खाना वाना दे के आए, अभी हम मैगी के पास आके फिर चलेंगे रात को छत पे घूमने। ओके ओके, लेट्स गो, कम मम्मा, टाटा मम्मा, टाटा मम्मा, भागो मम्मा, भागो। ये हमारे ना गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और ये देखो हमारे घर के बाहर हालत क्या हो गई है, पूरे गटर खुल गए। ये गाड़ी आ गई, लेट्स गो। सॉरी मम्मा। तो गाइस, अभी हम एक जगह आए हैं जहाँ पे ना बहुत सारे लोग आते हैं। ये बहुत ही वायरल जगह गई थी, टिफिन बॉक्स। तो इधर देखेंगे आज का खाना कैसा है, और इतना नॉइजी था कि मैं पूरा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलो यहाँ से गेट से एंट्री करते हैं सबसे पहले। और आप देखो इतने सारे लोग हैं ना, तो इफ्तार के टाइम इतने सारे लोग हैं, हमें टेबल ही नहीं मिली अच्छे से। हमें कुछ देर आगे जाना चाहिए था ताकि आउटडोर जा रहे हैं थोड़ी फोटोग्राफी करते, इंस्टाग्राम में देते, लेकिन अभी क्या करें, अभी नहीं मिली जगह। बस ये कॉर्नर वाली जगह मिली, आर्यन बेचारे को साइड में बिठा दिया। और यहाँ पर कुछ इफ्तार के डील्स थे, हमें कुछ हेवी नहीं खाना था, ये ज़्यादा 3-4% के थे, कुछ 2-2% के। तो हमने एक डील जो है वो ऑर्डर की इफ्तार के टाइम। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि जस्ट इफ्तार डील्स ही सर्व करते हैं, तो बस कोई सी डील भी एक पिक कर ली हमने। चलो क्या ऑर्डर किया आप लोग को दिख जाएगा। और अभी जो है ना बस वेट कर रहे हैं जब आज़ान आए और रोज़ा खुलेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता से ना और भी लोग आए जा रहे थे, यार सारी टेबल्स बुक थी। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था दिखने में, पीछे टाइपराइटर, लालटीन, क्या क्या पुराने ज़माने की चीज़ें लगी हुई थी। तो अगर अकेले आते ना थोड़ी देर जल्दी तो फिर हम लोग फोटोग्राफी कर सकते थे। और यहाँ पे हमारी जलेबियाँ, हमारे चिकन चीज़ रोल एंड हमारा मुगलाई पराठा, ये चीज़ें आ गई। और इफ्तार के हिसाब से ना जो आर्यन जो है ना उसको खिलाने के लिए रख दिया कि थोड़ा थोड़ा, चलो टेस्ट करो जब तक हमारा रोज़ा खुले। और खजूरें थी और 2 ड्रिंक्स थी, जिंजर लेमन ड्रिंक थी। तो ये जो है ना इफ्तार के हिसाब से ठीक है, मतलब इतना खाना था कि आप जस्ट एक इफ्तारी कर सकते हो, ये ऐसा खाना नहीं था कि प्रॉपर डिनर करके जा रहे हो। इतने रोज़े गुजर गए लेकिन अभी जाके हम बाहर आए हैं आउटडोर इफ्तार करने। और ये इमोन की तरफ से दावत थी, क्योंकि इमोन ने बोला चलो आज एक नई जगह लेके जाता हूँ, घुमा के आता हूँ आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच इमोन।
तो यहाँ पे मैं जब तक इफ्तारी खुले इधर उधर चीज़ें देख रही थी, तो ड्राइंग्स काफ़ी अच्छे किए हुए थे पुराने स्टाइल के, और उसके अलावा जो है ना इनके मेन्यू में भी कुछ डिफरेंट स्टाइल के किए हुए थे। ये मैं इवन से पूछ रही थी बंगला में लिखा है ना क्या लिखा है, तो बोला ये रेस्टोरेंट का नाम है। और आर्यन इतने में ना एक पराठे का पूरा ऊपर नीचे वाला साइड है ना क्रिस्पी क्रिस्पी, वो बैठ बैठ के खा गया। और मैंने कहा मामा को थोड़ा दो, तो आर्यन शेयरिंग करता है बहुत अच्छे से, तो मामा को दे रहा था। और अभी जो है ना हमारी इफ्तारी जो है ना वो खुल गई है, तो खजूर खाई सबसे पहले हमने, और फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले एक ड्रिंक ट्राई करती हूँ आखिर क्या चीज़ है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था जिंजर का, हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा है लेकिन नॉट फॉर इफ्तार, मतलब इफ्तार में भी डेफिनेटली हाजमे चाहिए होता है, लेकिन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा, लेमन फ्लेवर था। और उसी के अलावा जो है ना कुछ लोगों को जगह नहीं मिली, तो पीछे बैठने की जगह थी तो उधर भी बैठ गए थे काफ़ी लोग। सो आई वॉज लाइक सुपर एक्साइटेड और सरप्राइज कि इतने सारे लोग इफ्तारी में बाहर आते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं था, इतने टाइम से बाहर नहीं निकली थी इफ्तारी पे, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम किसी और रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे कभी। और ये बांग्लादेश में काफ़ी फेमस है, मुगलाई पराठा बोलते हैं, मुगलों का पराठा होगा शायद, इसके अंदर अंडे शंडे फिर चीज़ एंड चिकन ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, तो काफ़ी हेवी था ये वाला पराठा और बहुत ही मज़े का था मुगलाई पराठा। नाम भी तो क्या आलीशान नाम है ना, तो ये वाला जो है ना चलो हाफ ऑफ खाएंगे हम लोग, शेयरिंग करेंगे मैं और इमोन, ऐसा तो नहीं मैं पूरा ही खा जाऊँ टेस्टिंग के चक्कर में। और अभी जो है ना ये चटनी दी थी, तो स्पेशली हमने यहाँ रेस्टोरेंट में आके बोला था हमारे खाने में कोई मिर्ची नहीं डालना, तो उन लोगों ने बोला ठीक है। तो मैंने किसी और के वीडियोस देखे थे ना जब कोई आया था, तो इस रेस्टोरेंट में बोला खाना बहुत स्पाइसी है हम खा नहीं पा रहे, तो ये एक आप कर सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में कभी जाओ तो आप ना अपने हिसाब से खाना कस्टमाइज़ करवा सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं रेस्टोरेंट्स जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने जो दिया है बस वही चुपचाप करके खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ना जो चीज़ें नहीं चाहिए जिसको जिस चीज़ से एलर्जी है आप लोग वो चीज़ें हटवा सकते हो। तो अभी जो है, और कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो आप लोग बोलना कि इस पराठे में ना चिकन ना डालें, तो ऐसे मतलब आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। अभी हम एक रोल जो है ना वो ट्राई कराएंगे, मुझे रैप्स जो है ना वो काफ़ी पसंद होते हैं, खाने में बहुत इजी होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं, लेकिन मुझे इधर का जो रैप है ना वो काफ़ी एवरेज लगा, मतलब कि बहुत ही यूनिक नहीं था, ऐसा कि सेकंड टाइम इस रेस्टोरेंट में आऊँ ऐसा नहीं था, मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, बस बेसिक था बेसिक पूरा ही। तो अभी जो है ना हमारी बस इफ्तारी खुल चुकी थी, तो हम मज़े से इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने हेवी हेवी डिशेज पता नहीं क्या क्या तिहारी बिरयानी क्या क्या ऑर्डर किए थे, तो उनकी खुशबुएं भी आ रही थी। और अभी जो है ना जलेबी ट्राई करते हैं, मुझे जलेबी काफ़ी अच्छी लगती है मज़ेदार, और इस जलेबी की खास बात पता है क्या है कि बहुत ही पतली पतली थी, पतली पतली बनी हुई, तो इतना मज़ा आ गया मुझे, मैं कह रही थी मुझे तो सबसे पहले जलेबी खानी चाहिए थी, इतनी टेस्टी है जलेबी। तो जलेबी इफ्तार में ना अच्छी लगती है, पर इधर मतलब वैसे भी मेन्यू होता है ना थोड़े चने थोड़े दही बड़े थोड़ा थोड़े पकौड़े शकोड़े कुछ ऐसा भी होता तो मज़ा ही आ जाता। और झटपट से हम लोगों ने देखो काफ़ी लोग तो आज बैठे हैं, हम लोगों ने हमारी इफ्तारी बहुत जल्दी जल्दी कर ली क्योंकि आर्यन की टेंशन थी, आर्यन को बाहर लेके आए हैं, तो इसलिए ना बस अभी हम लोग वापस चले जाएंगे घर, हमारी इफ्तारी में बहुत ही मज़ा आ गया। तो गाइज़ वी आर बैक टू आवर होम, एंड अभी जो है ना हमने रात का डिनर जो है तैयार किया था, कुछ फ्राइड राइस बनाए थे फिर उसके ऊपर ऑमलेट एंड किमची के साथ एंड थोड़ा सा केचप, तो इतने हमारे डिनर का जो है ना प्रिपरेशन हो गया था इतने में ही। और अभी मैं और इमन खाएंगे, आर्यन सो गया है, तो बस आज का दिन जो है ना वो ऐसे गुजरा कि इफ्तारी बाहर कर ली और डिनर डिनर जो है ना घर कर दिया। नेक्स्ट टाइम कहीं जाएंगे तो डिनर भी हैवी करके आ जाएंगे। और ये एक चीज़ दिखा दो आपको, ये हमने कुछ सामान ऑर्डर किया था तो उसका डब्बा था, और आर्यन जो है ना खिलौनों से ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है डब्बों में, आई थिंक सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, डब्बे पैकेट कचरा प्लास्टिक बैग्स जो भी घर में आते हैं ना उन पे इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं जैसे उसे उठाने वाली थी कि आओ मम्मा उठाए तुम्हें उठा उठा उठाए, तो मुझे बोला था नो 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 नो, मस्त ये कह जा रहा था, तो फिर मुझे ना इधर उधर घुमाने के लिए बोल रहा है कि ये देखो गाड़ी देखो मेरी गाड़ी मेरा घोड़ा देखो ताकि मैं उसे उठाऊं नहीं। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो जो है ना वो भी गाइस एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, खुदा हाफिज़ बाय बाय। Suop 시간에 배웠었던 현재 진행형